बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है फ़िश बिरयानी की रेसिपी। ये मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो ये मैंने आज आपके लिए बनाई है। आपको यकीनन पसंद आएगी और झींगा बिरयानी भी मुझसे फरमाइश की गई है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए वो देख लेते हैं। फ़िश बिरयानी के लिए फ़िश लेंगे सबसे पहले। मैंने हाफ़ के जी ली है फ़िश, और फ़िश आपने फ्रेश देख के लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है। तो मैं आज धोतर का इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी सारी फ़िश हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें मुश्का है, धोतर है, और सुरमई है, पापलेट है। काफ़ी सारी फ़िशेस हैं जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि आप कौन सी फ़िश यूज़ करती हैं या हम कौन सी अच्छी फ़िश है जिसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। असल में ये सर आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है पार्ट। ये मछली का सर है, ये बोन है पूरी। तो ये जो है फेंकने की चीज़ नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि मछली जो है वो हम इस्तेमाल कर लें और सर फेंक दें, नहीं, इससे बहुत बेहतरीन कलिया बनाया जा सकता है, जो कि सर्दी के हिसाब से बेइंतहा ताकतवर चीज़ है, और बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए या बीमार लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी यखनी यानी कि सूप बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप मछली खरीदें तो उसके सर भी फेंकिएगा नहीं, उससे मेरी वो रेसिपी ट्राई कीजिएगा। 1.5 कप राइस मैंने बॉईल किए हैं इसके लिए पहले से, 80% बॉईल हैं ये। इसके अंदर मैंने 3 लौंगे, 4 छोटी इलायचियाँ और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल के इसको बॉईल किया है, और ये आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे अच्छे तरीके से। तो ये एक काम है जो हम कर चुके हैं पहले ही। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने पहले से ही लाल कर लिया है। असल में ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे मेरी वीडियो जो है वो लेंदी नहीं होती और मुझे आपको समझाने में आसानी रहती है। दही जाएगा इसके अंदर 1 कप यानी 250 ग्राम्स। फ्रेश कोरिएंडर जाएगा इसके अंदर तकरीबन आधी गट्टी, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा जो मसाले हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। इस साबुत गरम मसाले में 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, आधा बादियान का फूल, 12 से 15 काली मिर्चें और 5 लौंगे हैं। 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच भर के अदरक है, ये हमने जूलियन काट ली है, 1 चाय का चम्मच जीरा है साबुत, 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है। अगर आप तेज़ मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं लाल मिर्चें ज़्यादा लेना प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि इससे टेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1/4 चाय का चम्मच इसके अंदर हम अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 4 छोटी इलायचियाँ, ये मैंने अलग इसलिए रखी हैं कि ये मैं कड़कड़ाऊँगी नहीं, 1/4 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी, 1/2 चाय का चम्मच इसमें धनिया जाएगा, धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम नमक डालेंगे, और चावलों के हिसाब से नमक हम आखिर में चखने के बाद ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दही के अंदर पिसी लाल की हुई प्याज और तमाम पिसे हुए मसाले मिक्स कर लूँगी, लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और तमाम पिसा हुआ मसाला और छोटी इलायचियाँ डाल देंगे, और इन तमाम चीज़ों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने जिस ऑयल के अंदर प्याज लाल की थी उसमें से मैंने तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम ये तमाम गरम मसाला डालेंगे, इसे हल्का सा कड़कड़ाएंगे, जीरा भी साथ ही डाल देंगे, तीस सेकेंड इसे देंगे और थोड़ा सा इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब 30 सेकेंड के बाद हम इसके अंदर ये जो हमने प्याज का और तमाम मसालों का एक पेस्ट रेडी किया था ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से और इसे भूनेंगे। मसाला अच्छे तरीके से तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर ही भुन गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी तकरीबन 1/2 कप, और तेज आंच करके इसको थोड़ा सा जोश पे लेकर आऊंगी, और अब हम इसके अंदर आगे मछली डाल देंगे। तो इस मसाले में जोश आ गया है पानी में, अब इसके अंदर मैं बेरे बिछा दूंगी। बेरे तमाम के तमाम मैंने बिछा दिए, अब इसके ऊपर ही मैं ये अदरक डाल दूंगी, साथ ही ये हरी मिर्चें डाल दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दूंगी,
और अब हम इसे कवर करके तकरीबन मीडियम से थोड़ी सी हल्की आंच के ऊपर जब तक पकाएंगे, जब तक के मछली हमारी गल नहीं जाती, 5 से 7 मिनट लगेंगे और बीच में एक आध दफ़ा हम इसे टर्न कर लेंगे। और जब हमको मछली को हिलाना होगा तो हम इस तरह पतीले को पकड़ के यूं करके घुमाएंगे, इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने मछली को पका लिया है, ये बिल्कुल अच्छी गल गई है और अब मैं इसका एक एक बेरा करके एक प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। बहुत ही ध्यान से निकालना है, बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। मछली को मैंने निकाल लिया है, अब इसके बाद ये हमारी ग्रेवी बच गई है। इसके अंदर बिल्कुल मेरे ख्याल से 1/4 कप के करीब इसके अंदर पानी होगा इस वक्त। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, हमने थोड़ा सा काट के रखा है। और एक चीज़ जो मैं आपको इसमें दिखानी भूल गई थी वो है जर्दे का रंग, यानी कि फूड कलर। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। तो मैं ये 2 जगह डाल रही हूँ और इसे घोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही फैल जाएगा चावलों में। अब इसके बाद हमने बहुत ही ध्यान से जो ये बेरे हमने निकाल लिए थे, हम इनको एक साइड के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। एक ही साइड के ऊपर मैं फैलाऊंगी ताकि दूसरी तरफ से मैं चावलों को मिक्स कर सकूं। एक के ऊपर कर देते हैं, एक ये देखिए। और ये जो इसके साथ मसाला था ये भी इसी के ऊपर डाल देते हैं। अब इसके बाद तेल जो है जिसमें से मैंने प्याज लाल की थी वो 2-3 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये देखिए, बस ये इतना काफी है। इसीलिए मैंने 1/2 कप से कम लिया था ऑयल। और इसके ऊपर चला जाएगा ये जाफरानी केवड़ा एसेंस 2-3 जगह। और अब हम इसे कपड़े से कवर करके और इसके नीचे तवा रख के इसे दम पे रख देंगे, 10 से 12 मिनट दम पे रखेंगे। और फिर ये वाले चावल हम मिक्स करके अपने प्लेटर में निकालेंगे और एक एक बेरा उसके ऊपर सजा देंगे। तो हमारी मज़ेदार फिश बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये बेइंतहा सिंपल और बेहतरीन रेसिपी है। एक टिप जो मैं इसके अंदर दे रही हूँ आपको वो ये कि चूंकि मैं बनाती हूँ तो इसलिए मुझे इसको हैंडल करना आसान लगा, लेकिन अगर आप न्यू हैं और आप बनाना चाह रहे हैं तो आपने ये जो मछली है इसके बेरे मोटे कटवाने हैं। तो आप जब मछली ख़रीदने के लिए जाएं तो थोड़े मोटे बेरे कटवाइएगा ताकि बिरयानी के अंदर वो घुल ना जाएं और आपसे आसानी से आप उसको संभाल सकें। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।